वाटर पार्क दे विच इक 6 साला बच्ची दी मौत हो गई है। दरअसल जानकारी अनुसार क्या जा रहा है कि यह बच्ची स्कूल दे बच्चियां दे नाल घूमन दे लई इस वाटर पार्क दे विच आई सी, पर इत्थे डुब्बण दे कारण इसकी अचानक ही मौत हो गई है। हालांकि डुब्बण दी वजह दा कारण दस्या जा रहा है कि शरेआम लापरवाही सामने आई है, चाहे वह स्कूल प्रशासन की होवे या फिर इस स्विमिंग पूल वालियां दी। इत्थे कोई भी प्रबंध जो है मुकम्मल तौर दे उत्ते नहीं किया गया सी, जिसके कारण कहा जा रहा है कि इस 6 साल बच्ची की जान चली गई है। तो दस दिए कि स्कूल के बच्चों के नाल यह बच्ची घूमने के लिए वाटर पार्क के आई हुई सी, पर अचानक ही यह डुब जाती है। डुबण तो बाद दसया जा रहा है कि इसनों तुरंत हस्पताल लेके जाया जाता है, तो हस्पताल दे विच जाके डॉक्टरों के वलों इसनों मृतक ऐलान दिता जाता है, जिस तो बाद हुण परिवारक मैंबरों का भी रो रो के बुरा हाल है। तो मनभागी खबर पानीपत तो सामने आई है, जिथे कि एक 6 साल बच्ची की वाटर पार्क के डुबण कारण मौत हो गई है। दस दिए कि जिथे गर्मी लगातार वध रही है, उत्थे बच्चे जो ने जो नदियों के वल सूइयां के वल वाटर पार्कों के स्विमिंग पूलों के वल ज़्यादा जा रहे हैं। तो अजिहे दे विच इस खबर तो भी सबक लैण की जरूरत है कि जेकर कोई स्कूल अजिही थां दे उत्ते लैके जा रहा है तो पहला स्कूल के प्रबंधकों के नाल गल कर लो कि आखिर पूरे उत्ते प्रबंध है भी या फिर नहीं, किते ना किते कोई अणसुखावी घटना ना वापर जाए। तो अजिहे दे विच उत्ते जिथे स्विमिंग पूल है उन्होंने भी अपने प्रबंध पूरे करने चाहिए ने, ते जेकर कोई स्कूल बच्चों वाटर पार्क के लैके भी जा रहा है तो उत्थे पूरी जिम्मेवारी दे नाल उन्हां नूं लैके जावे। हर एक बच्चे दे उत्ते अध्यापकों की प्रबंधकों की पूरी नज़र होनी चाहिए है कि आखिर वह बच्चा कर की रहा है। तो इत्थे भी बिल्कुल इसे तरीके दे नाल कहा जा रहा है कि लापरवाही सी स्कूल प्रबंधक जिहड़े नाल पहुंचे सी बच्चों लैके, तो इस दे नाल ही कहा जा रहा है कि स्विमिंग पूल के कोल कोई भी ढुकवा प्रबंध नहीं सी किया गया, जिस दे कारण इस 6 साल बच्ची की मौत हो गई है। तो पानीपत तो एक खबर सामने आई है जिथे कि स्कूली बच्चों के नाल घूमन गई यह बच्ची अचानक ही जो वाटर पार्क है उस दे विच डुब जाती है और उस दे विच कहा जा रहा है कि इसकी मौत हो जाती है। तो हितैषी जैन वजो इसकी पहचान हुई है जो कि 6 साल की दसी जा रही है। ये जी अपना वाटर पार्क है, पीछे आप देख रहे होंगे किंगलैंड। तो जी मैं बाइक से आ रहा था, यहाँ पे एक विक्रम नालक का लड़का है तो उन्होंने मेरे को रोड पे रोका यहाँ पे भागते हुए और हेल्प मांगी कि एक बच्ची की तबीयत ख़राब हो गई है या उनको कोई इंजरी हो गई है। तो मैं बाइक लेके गया वहाँ पे, बच्ची को बाइक पे हम लेके गए तो हॉस्पिटल में गए हम, संकल्प हॉस्पिटल में पानीपत। वहाँ पे बच्ची को दिखाया तो उन्होंने मना कर दिया कि भाई हालत इनकी बहुत ज़्यादा ख़राब है, डेड हो चुकी है, उन्होंने यही बोला हमें। हम फिर उसके बाद लेके गए उनको, ये अपना हॉस्पिटल है रेनबो हॉस्पिटल, ठीक है, वहाँ पे लेके गए तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि बच्ची काफ़ी टाइम हो चुका है, इसको डेड हो चुकी है और बच्ची के मुंह से झाग निकल रहे थे बहुत ज़्यादा, उसका कलर भी नीला हो चुका था, स्किन का जो कलर है वो नीला पड़ चुका था उसका। तो अब हमें ये नहीं पता कि वो कितना टाइम हो गया था उनको डूबे हुए, 2-2:30 बजे की ये बात है, अब उससे पहले कितना टाइम हो चुका था हम नहीं बता सकते। तो फिर वहाँ पे पुलिस को बुलाया गया और जो भी उनकी कानूनी प्रक्रिया थी वो पूरी हुई, आईडी वगैरह जो भी सबकी ली गई वहाँ पे, एड्रेस वगैरह जो भी था। तो इस प्रकार का ये मामला था, अब आगे देखते हैं वो क्या करते हैं, क्या कानूनी प्रक्रिया होती है। कैसे डेथ हुई बच्ची की और कितने बजे की बात है? सर ये डूबने से हुई है, बच्ची स्विमिंग कॉस्ट्यूम में थी, ठीक है, हाँ। तो और ये अपना जो पानीपत में द्रोणाचार्य स्कूल है उनका कोई ग्रुप आया हुआ था। कितने बच्चों का ग्रुप था करीब? ये बता रहे हैं सर 60 बच्चों का ग्रुप था, हॉस्पिटल में पता चला मेरे को ये तकरीबन 50 से 60 बच्चों का ग्रुप था और उन्हीं में से एक बच्ची की यहाँ पे डेथ हुई है डूबने से। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओमबीर है जी। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं झज्जर से हूँ जी। अच्छा, यहाँ कहाँ रहते हैं? यहाँ मैं सर बाल विकास स्कूल में हूँ।